आज हम IGBT को टेस्ट करना सीखेंगे। IGBT का फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये एक ट्रांजिस्टर ही होता है। ट्रांजिस्टर कई टाइप के होते हैं। MOSFET भी ट्रांजिस्टर की ही श्रेणी में आता है। और जैसे आपने देखा होगा, ट्रैक वगैरह ये सब सुने होंगे, ये सभी के सभी ट्रांजिस्टर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सभी के अलग अलग काम होते हैं। यहाँ पर जो IGBT का ज़्यादातर यूज जो किया जाता है इंडक्शन कुकर में या फिर इंडक्शन कुकटॉप में किया जाता है। अब यहाँ पर मेन मकसद अभी मेरा इसको चेक करने का है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम ट्रांजिस्टर को चेक करते ना, बिल्कुल वैसे ही इसी तरीके से इसको चेक किया जाता है। उससे पहले यहाँ पर इसकी पिन डिटेल्स आपको बता दूँ, ठीक है। इसमें तीन पिन है। पहली नंबर की पिन गेट की, दूसरी कलेक्टर की और तीसरी अमीटर की। आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस अमीटर होता है, बिल्कुल यहाँ पर बेस की जगह पे गेट का यूज कर दिया जाता है। जैसे कि अमीटर कलेक्टर तो इसमें पिन होती ही है, साथ में यहाँ पर एक पिन बेस को हम गेट बोलते हैं IGBT में, जो पहले नंबर की पिन होती है। जो यहाँ पर देखिए, अमीटर और कलेक्टर यहाँ पर इसमें इनपुट और आउटपुट का काम करते हैं, और गेट की जो पिन होती है वो स्विचिंग का काम करती है। जैसे कि मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिन्होंने देखी होगी उनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखी है तो इस वीडियो को एंड करने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, अन्यथा आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। हाँ, टेस्ट करना सीख जाएंगे, लेकिन डिटेल से जानने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, जिस नंबर की भी IGBT होगी उस नंबर को आप छोड़ दो, बाकी टेस्ट करने का मेथड सभी IGBT में एक जैसा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये तो ख़राब IGBT हैं, और यहाँ पर कुछ अलग अलग भी हैं। इनमें ज़्यादातर देखिए, जैसे आपको नंबर बता दो, 25N15H15 करके आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो सेम नंबर के यहाँ पर उठा लेता हूँ जो नई है। मल्टीमीटर को हम बजर की रेंज में रख लेते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी की रेंज में रख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं चलिए ख़राब वाली को ही उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम गेट की पिन पे सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसको मैंने कंटिन्यूटी की रेंज में रखा है। देखिए, यहाँ पर बीप आ रही है। तो सबसे पहले गेट की पिन पे ही हम रख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर दूसरी पिन जो हमारी कलेक्टर की है उसमें हम लगाएंगे। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है, 15, और हमारी अमीटर पर कितनी आ रही है, हमारी 14-15। मतलब गेट, कलेक्टर, एमिटर तीनों आपस में अंदर से शॉर्ट हो चुके हैं। शॉर्ट होने पर समझ लीजिए आपकी IGBT ख़राब है। कभी भी IGBT में कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ये आपका कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा था, 15 के आसपास रेजिस्टेंस दिखा, तो इतना नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, अभी जो ओके कंडीशन में रहेगा उसकी आपको रेजिस्टेंस दिखा दूंगा, ये रखते हैं साइड में। इसमें भी अलग अलग फॉल्ट आते हैं। यहाँ पर तो तीनों पिन हमारी शॉर्ट थी। किसी किसी में क्या होता है ना, गेट और कलेक्टर शॉर्ट होते हैं, किसी किसी में गेट और अमीटर शॉर्ट होते हैं। वो अभी आपको देखिए, अगर यहाँ पर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको वैसे मैंने बता दिया। तो यहाँ पर इसमें भी तीनों पिन आपस में शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर बहुत कम दिखा रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल डेड पड़ चुकी है। अब इसकी क्या कंडीशन है, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, गेट, कलेक्टर, अमीटर आपस में तीनों शॉर्ट हो चुकी। ज़्यादातर जो IGBT आपको ख़राब मिलती है ना, तो उसमें तीनों यहाँ पर पिन आपको शॉर्टिंग देखने के लिए मिलती है। अब ज़रूरी नहीं जो IGBT आपके पास पड़ी हो तो उसमें तीनों शॉर्ट हो, किसी किसी में दो भी शॉर्ट हो जाते हैं। टोटल मिला के इसकी किसी भी दो पिन पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। भले वो ये दोनों पिन हो, भले ये दोनों हो, कोई सी भी हो, शॉर्टिंग टोटल मिला के कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। ये तो रही ख़राब IGBT की बात। अब यहाँ पर बिल्कुल ओके कंडीशन में है, अलग अलग नंबर की मैंने उठा के रखी हुई है, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर गेट में मैंने नेगेटिव प्रूफ को रख लिया है, और यहाँ पर अब रखता हूँ कलेक्टर पे, देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब अमीटर पे रखता हूँ, कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, गेट के साथ अमीटर और कलेक्टर में तो हमारी कुछ नहीं आ रही है। अब उल्टा कर लेते, चलिए गेट पे हम रेड प्रूफ को रख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा। जो आपका इसमें कुछ भी वैल्यू दिखाएगा वो कैसे दिखाएगा आपको बता देता हूँ। आप नेगेटिव प्रूफ को बीच में कलेक्टर में रख लीजिए, और रेड प्रूफ को आप अमीटर में रख लीजिए, वहाँ पर वो उसकी वैल्यू दिखा देगा। कितना रेजिस्टेंस बता रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू वो दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो डायोड वैल्यू इसके अंदर रहेगी ना, वो आपको दिखा देगा, उल्टा करके नहीं दिखाएगा। तो मतलब ये हमारा ओके है। देखिए, किस में भी आप उल्टा सुलटा किसी में भी आप चेक सॉरी किसी में भी उल्टा सुलटा आप लगा लीजिए, कहीं पर भी शॉर्टिंग आपको मिल रही है, नहीं मिल रही, इसका मतलब हाँ कुछ वैल्यू दिखाएगा। जैसे कि इस पोजीशन में नेगेटिव बीच में और पॉजिटिव लास्ट में कलेक्ट अमीटर में लगा लेंगे, तो कोई वैल्यू यहाँ पर दिखा सकता है, ठीक है। इसको रखते हैं साइड पे। अब ये भी अलग नंबर की है, इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं। गेट के साथ यहाँ पर
और यहाँ पर इसको चेक करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, उल्टा करके देखते हैं कुछ भी नहीं आएगा, इसके साथ भी कुछ भी नहीं आएगा। अब बीच में हम कलेक्टर पे नेगेटिव रखते हैं और पॉजिटिव कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर अमीटर पे, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आईजीबीटी को टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, ट्राई कीजिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर लेना। और इससे रिलेटेड बहुत सारी मैंने वीडियो बना के रखी हुई इंडक्शन से रिलेटेड, इंडक्शन कुकटॉप से रिलेटेड, जिन्हें आप इजीली घर पे रिपेयर कर सकते हैं, और इनमें भी थोड़ा सा आजकल डुप्लीकेसी वगैरह आने लगी है। तो एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप आईजीबीटी इंडक्शन में चेंज करते हैं तो हो सके तो ओरिजिनल वाली ही परचेज करें, ओरिजिनल की भी पहचान आजकल नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर जो डुप्लीकेट ऐसी आती है वो सेम टू सेम ओरिजिनल की तरह आ रही है, उनमें पहचान नहीं हो पाती है। हाँ, किसी दुकानदार पे अगर ट्रस्ट हो आपको, या फिर किसी भी सेलर पे आपको ट्रस्ट हो, तो ज़रूर से कहिए कि भैया हो सके तो ओरिजिनल ऐसी हमें दे दीजिएगा, वरना होता क्या है ना, हर दूसरे दिन या फिर थोड़ा सा आप इंडक्शन पे इसको लगाओगे, 10-15 मिनट चलाओगे और थोड़ा सा आप वाट बढ़ाना चाहोगे तो ये आईजीबीटी ख़राब हो जाती है, और ख़राब होने पर ये फटती नहीं है, अंदर ही अंदर ये ख़राब हो जाती है, आप जैसे कि देख रहे होंगे। अब इसे देख के कोई नहीं कहेगा कि भैया ख़राब है, लेकिन इंटरनली ये अंदर से ख़राब हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आई या फिर कुछ सीखने के लिए मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।